नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। 26 अगस्त 2021 से लेकर 22 सितंबर 2021 तक बुध ग्रह कन्या राशि में भ्रमण करेंगे, कन्या राशि में गोचर करेंगे। 26 तारीख को बुध का यह राशि परिवर्तन समस्त गोचरीय व्यवस्था के लिए अति शुभ रहने वाला है और इस टाइम में चार राशियां ऐसी हैं जिनके लिए कुबेर के खजाने खुल जाएंगे। साथियों, चार राशियों के लिए भद्रक नाम का एक महापुरुष राजयोग बनेगा जो आपको करोड़ों दे करके जाएगा। जिन साथियों के काम चलते चलते रुक गए थे उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि चारों राशियों में से आपकी भी कोई राशि है तो निश्चित रूप से आपकी समस्त समस्याएं इस टाइम में दूर होने वाली हैं। पूरी जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा, भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी है यह भी चर्चा करूंगा, वीडियो के लास्ट में खास उपाय। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं या बहुत अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो साथियों, हमारे यहाँ से सभी प्रकार के रत्नों की अंगूठियाँ बनाकर सिद्ध पूजा पाठ करके देश विदेश में भेजी जाती है। जन्म पत्रिका हस्तरेखा दिखाने के लिए आप मुझे सीधे सीधे फ़ोन कॉल या व्हाट्सअप SMS कर सकते हैं। पहली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि से चौथे भाव में भद्रक नाम का महापुरुष राजयोग बन रहा है 26 अगस्त से लेकर 22 सितंबर तक। आपके जीवन में भूमि प्राप्ति का योग बनेगा। आप मकान खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए जो भी समस्याएं हैं सारी की सारी दूर होंगी और साथ ही साथ में आप बहुत दिनों से वाहन खरीदना चाहते हैं तो इस टाइम में आपके मनपसंद वाहन की प्राप्ति का योग भी बनने जा रहा है। उपाय के लिए, बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको मंत्र जपना है, ओम गम गणपतये नमः। गणेश जी की आराधना आपके इस समय को और ज़्यादा बेहतर कर देगी, आपकी ज़िंदगी में चार चांद लगा देगी। दूसरी राशि है कन्या राशि और आज का हमारा यह राशिफल साथियों चंद्र राशि के आधार पर है, जन्म लग्न के आधार पर नहीं है। कन्या राशि में ही यह राजयोग बन रहा है तो जो किसी भी बीमारी से ग्रसित लोग हैं आपको बहुत बेहतर स्वास्थ्य लाभ होगा। साथ ही साथ में बड़ी भारी धन संपत्ति की प्राप्ति के योग, स्थायी संपत्ति की प्राप्ति के योग बनेंगे। उच्च पद की प्राप्ति के योग, सरकारी नौकरी के योग भी आपको यहाँ पर बनने जा रहे हैं। आपका सारा रुका हुआ पैसा वापस आने लगेगा और रुके हुए कार्य आपके रनिंग में आ जाएंगे। साथियों, अगली राशि है धनु राशि। धनु से दशम भाव में यह राजयोग बन रहा है। आप राजनीति में हैं तो आपको सफलता मिलेगी, उच्च पद की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपको अपने व्यापार को पहले से कई गुना ज़्यादा फैलाने का मौका मिलेगा। आप अपने व्यापार को बढ़ाएंगे। आप नौकरी में हैं तो वहाँ आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और पैसे की प्राप्ति होगी। पिता का सहयोग और सम्मान प्राप्ति के योग यहाँ पर आपके बन रहे हैं। साथियों, अगली राशि है यहाँ पर मीन राशि। मीन राशि से सातवें स्थान में व्यापार भाव में यह राजयोग बन रहा है जो अपने आप में अद्भुत है, अकल्पनीय है। सातवां घर पत्नी का, प्रेमिका का, व्यक्तिगत सुख का भी होता है। दोस्तों, यदि आपके प्रेम संबंध है, आप अफेयर में हैं तो आपको अपनी मनपसंद जीवन संगिनी प्राप्त करने का सौभाग्य मिलेगा। बात बनती इस टाइम में कुल मिलाकर के नजर आएंगी। व्यापार में असाधारण सफलताएं, असाधारण कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेंगे, बहुत सारे ऑर्डर मिलेंगे या मिलने की रूपरेखा इस टाइम में बड़े आसानी से तैयार हो जाएगी। उपाय के लिए आप श्री गणेश जी के मंदिर में बुधवार के दिन लड्डुओं का भोग लगाएं और किन्नरों को हरे कपड़े का दान करना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो साथियों, मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये चार भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिन्हें इस टाइम में बहुत छप्पर फाड़कर एक तरह से सफलताएं मिलेंगी और बहुत अच्छा टाइम आपके लिए रहेगा। कामना करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते रहेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ भविष्य में भी। तब तक